हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्रियजनों, अंत निकट है, यीशु आने वाले हैं। यीशु मसीह द्वारी पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। मेरे प्रियजनों, इसलिए अभी वक्त है, समय है, मन फिरा लो, मन फिरा लो। मैं हर वीडियो में यही बताते चला आ रहा हूँ कि अंत निकट है। रेप्चर कभी भी हो सकता है, किसी घड़ी भी हो सकता है, किसी दिन भी हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 का 36 वचन में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। मेरे प्रियजन, बाइबल साफ बताती है, आंख खोल के इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। बाइबल बताती है, ध्यान से देखे वीडियो को, ना तो स्वर्ग के दूतों को पता है, ना हमें पता है, ना तो आपको पता है कि यीशु मसीह कब आएगा, उसका कब आना होगा, कब आएगा वह घड़ी, वो पहर कब का होगा। किसी को भी नहीं पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। मेरे प्रियजनों, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु ने कहा अंत के दिनों में कहीं तुम्हारे मन खुमार ना हो जाए, कहीं जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान आ पड़े, फंदे के समान आ पड़े। मगर आज हम जाग कह रहे हैं, आज हम जाग कह रहे हैं। आज तो हम लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, व्यभिचार करने में लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं, व्यभिचार करने में लगे हुए हैं, शरीर को सुख देने में लगे हुए हैं। आज हम जाग कह रहे हैं, आज हमारे दिए जल कह रहे हैं, आज हमारे दीपक जल कह रहे हैं। आज हम तो पाप में, गुनाहों में जकड़े हुए हैं। यीशु मसीह का लहू व्यर्थ कर रहे हैं, पाप करके, व्यभिचार करके। मेरे प्रिय, मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का लहू व्यर्थ मत करो, व्यर्थ मत करो, वरना परमेश्वर अपने लहू का बदला आपसे लेगा, आपसे लेगा। मेरे प्रियजनों, बाइबल बताती है उस समय, किस समय, जब यीशु मसीह कलीसिया उठा लेगा, रेप्चर हो जाएगा, जब 7 साल का मसीह विरोधी का राज्य होगा, 3.5 साल क्लेश काल के और 3.5 साल महाक्लेश काल के। उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत भी नहीं आएगी। इसलिए समय है, लौट आओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु मसीह आने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, बाइबल का वचन कहता है, बाइबल बताती है, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, तब जो दुष्ट हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो स्वर्ग नहीं उठाए जाएंगे, वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ पर धनवान मौजूद है, जहाँ पर धनवान तड़प रहा है एक बूंद प्यास के कारण, उसी प्रकार से जो इंसान, जो व्यक्ति उस नरक में डाला जाएगा, उसकी जीभ एक बूंद प्यास के कारण आठेगी, आठेगी, तलाही तलाही मची होगी, मची होगी। ध्यान से वीडियो को देखिए, आगे का वीडियो परमेश्वर के दास आप सभी को बताएंगे। इस ध्यान से भी इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। हेलो दोस्तों, हम एक वचन बताना चाहते हैं मेरे प्रियो आप सभी को बीच में। मेरे प्रियजनों, जो मसीह में रह के संसार के पीछे चलते हैं, उनका दंड बहुत कठिन है। मेरे प्रियो, याद रखना, जो मसीह में रह के मूर्ति पूजा करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। मेरे प्रियजनों, याद रखना, उसका बदला परमेश्वर बहुत ही भयानक लेगा, नरक की आग में बदला लेगा। मेरे प्रियजनों, जहाँ की आग नहीं बुझती और कीड़े कभी नहीं मरते हैं। मेरे प्रियजनों, याद रखना कि अगर जरा से भी कहीं उंगली में कांटा चुभ जाता है, मेरे प्रियजनों, इतना दर्द होता है। मेरे प्रियो, और याद करो, जब आग कभी नहीं बुझती और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, वहाँ पर क्या हाल होगा। मेरे प्रियो, क्या हाल होगा। इसलिए मन फिराओ और बच जाओ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में यही कहा है, मन फिराओ या नाश हो जाओ। मेरे प्रियो, तो इसलिए आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो मेरे प्रियो, और प्रभु के आगे अपने एक एक पाप घुटने टेक के प्रभु के आगे बताओ, प्रभु माफ कर देगा। और मेरे प्रियजनों, जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी, तब टाइम कभी नहीं मिलेगा, कभी अवसर नहीं मिलेगा, पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, जीवते रहते हुए पश्चाताप कर लो, प्रभु माफ कर देगा। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ो और प्रेयर करो,
प्रभु के प्रभु से पश्चाताप करो, माफी मांगो, प्रभु माफ कर देगा मेरे प्रियो। स्वर्ग जाने के लायक बनो मेरे प्रियो, क्योंकि जब परमेश्वर आए प्रभु के साथ चले जाओ बहुत ही बेहतर है, और अगर गलती से भी यहाँ अगर छूट गए तो बहुत ही दुख झेलना पड़ेगा मेरे प्रियो, बहुत ही दुख झेलना पड़ेगा। याद रखना कि जब मसीह विरोधी आएगा तो बहुत तबाही मच जाएगी, बहुत ही तबाही मच जाएगी मेरे प्रियो। इसीलिए अभी वक्त है, टाइम है, मन फिरा लो और लौट आओ, पश्चाताप कर लो, हमारे पाप मिटाए जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पापियों के लिए ही आया है मेरे प्रियो। आप लोग याद करो उस समय को, जिस समय प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे, उस समय को, उस दर्द को महसूस करो कि आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए परमेश्वर अपना लहू बहाया, अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे प्रियो। सबको जय मसीह की, मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, आमीन।